इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी. कम ऑन, गो अहेड, लेडीज फर्स्ट. ये नया शो इश्क में मर जावा बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन और स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन के साथ आ रहा है, एक डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आ रहा है. और इसमें मैं आरोही कश्यप का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि अगेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे मेरा पहला शो वो भी टीवी पे एक इतने अच्छे कैरेक्टर के साथ मिला. काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अलग अलग शेड्स हैं और एक बहुत अच्छी और अलग कहानी है. नॉर्मली जो आप सीरियल्स में देखते हैं कहानी, उससे बहुत डिफरेंट है. इट्स मोर एजियर एंड बोल्डर. बोल्डर, या तो मंडे टू फ्राइडे कलर्स टीवी पे इश्क में मर जावा 20 सितंबर से शुरू हो रहा है, जरूर देखें. ओके, टॉकिंग अबाउट द टाइम्स, इट इज 7:30 एंड ऑलरेडी देयर आर फ्यू शोज व्हिच आर रनिंग क्वाइट लाइक वेरी पॉपुलर शोज एट 7:30. सो लाइक व्हाट्स द यूएसपी ऑफ द शो दैट यू फील वंडर्स ऑन टेलीविजन? आई थिंक द यूएसपी ऑफ द शो इज दैट दिस इज अ डिसेप्टिव लव स्टोरी. It showcases two characters very strongly, which is Deep Bachchan and Aarohi Kashyap, and their unconditional love, which lands them in very unwanted circumstances. Usually, on shows you would see a very typical Saas Bahu drama. This is much edgier and बहुत अलग है. आपने शायद प्रोमो से ही थोड़ा प्रिडिक्ट कर लिया होगा. एंड इवन द नेम सजेस्ट इश्क में मर जावा कि ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट लव एंड बिट्रेयल एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर बिट्रेयल एंड देयर इज आल्सो देयर आर दीज मोमेंट्स कि वी ऑल फॉल इन लव. हम सबको लगने में प्यार होता है लेकिन धोखा मिलता है. तो आजकल कोई इतना लोग मूव ऑन कर रहे हैं लेकिन हर कहानी वैसी नहीं होती. तो ये कहानी में क्या होता है आगे, ये भी आपको देखने को मिलेगा. दैट्स अ लिटिल अहेड. राइट नाउ यू विल सी कैसे दीप और आरोही उन्हें प्यार होता है और वो प्यार उन्हें किस ऐसे मूड पे ला कर देता है कि जहाँ से देर इज नो कम बैक. सारी इसी पे है, प्लीज मेरे पे आधी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एक्चुअली इट्स अ टीम एफर्ट एंड देखो वो कहते हैं ना भगवान मेहरबान तो गदा पहलवान. हमारी यू नो सारे एक्टर्स की लाइफ ऐसी होती है जब पब्लिक मेहरबान होती है ना आप पर, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता. तो बस पब्लिक ही डिसाइड करेगी कि शो चलेगा नहीं चलेगा. हमारी कोशिश ये रहती है कि कुछ अलग करें, लोगों को एंटरटेन करें, एक ऐसी कहानी लेकर आए जिससे हमें लगता है कि लोगों को पसंद आए. तो हमने वो सारी चीज़ें की हैं, बस अब लोगों का साथ मिलना बाकी है. अगर वो मिल गया तो बस हमें कोई नहीं रोक सकता. इस स्टोरी में सारा स्पाइस डाला है हमने, प्यार है, रोमांस है, उसके बाद साथ थ्रिलर भी है, ड्रामा है और रिवेंज है. कंप्लीट पैकेज. इट्स अ कंप्लीट पैकेज. मैं अपने सभी फैंस को और आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा शो देखिए. 20 तारीख को कलर्स पे लॉन्च हो रहा है 7:30 बजे. 20 तारीख इस वेनसडे, ये इस वेनसडे को लॉन्च हो रहा है परसों. और हम सब ने बहुत मेहनत की. आई थिंक ये स्टोरी बहुत अलग है इसलिए आपको देखनी चाहिए. बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस पे हमने इसे शूट किया है और जो हमारा सेट है वो भी बहुत बहुत ह्यूज और बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत अलग बनाया है. आप जो प्रॉप्स भी देखोगे वो नॉर्मल प्रॉप्स नहीं है, दे आर वेरी एजी एंड लाइक ऐसे की कोई ऐसे की वो देर हॉर्सेज एंड देर आर ईगल्स एंड इट हैज अ ब्यूटीफुल पॉर्च एंड सो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इवन इन द डिज़ाइनिंग. एंड मुझे लगता है इसका किरदार बहुत प्यारा है एंड बहुत आई थिंक मल्टी लेयर्ड भी है एंड आई थिंक शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब. शायद यू नो मैं कभी कहता नहीं हूँ लेकिन यू नो इट्स अ फर्स्ट शो बट आई थिंक फॉर अ फर्स्ट शो शी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस एंड आने वाले वक्त में शी ओनली गेट बेटर एंड पीपल आर नॉट रियली लाइक व्हाट शी इज़ डन इन द शो. He is a very supportive and a good co-star. मेरा पहला शो एज मेन लीड है और मैं बहुत एक्चुअली मैं नर्वस थी कि ओके मैं पता नहीं किसके साथ शूट करूँगी. एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि रिजर्वेशन बिजरानी तो आई नो कि काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने. ही इज़ अ वेरी ग्रेट एक्टर
तो मुझे मैं थोड़ी सी नर्वस थी पर देन ही मेट मी और उन्होंने मेरे साथ काफ़ी अच्छे से कोप अप किया और मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं ऑन स्क्रीन सीन्स एंड ऑल के बीच में. सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. अगर मैं अच्छा कर पाऊंगी तो इट इज आल्सो बिकॉज़ पीपल आर माय कोएक्टर. अगर हम दोनों कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो कभी सीन अच्छे नहीं लगेंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू यू नो हैव दैट केमिस्ट्री बी कंफर्टेबल यू नो चाहे मैंने दस शो किए हो या तुम्हारा पहला हो इट डजंट मैटर बिकॉज वी आर कमिंग टुगेदर फॉर दिस पर्टिकुलर शो इश्क में मर जाओ और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा हमारी मेहनत है एंड ऑफकोर्स नाउ मैं अपनी नई जगह से सुना मैं इसके मैं इसकी बहुत टाइम भी खींचता हूँ करता हूँ तो ये बेचारी बोल देती है ऐसे में उसको हम कई बार बोल नहीं जाते.